good morning uh, today in value education class we are going to do page number 50 51 and 52 and today's topic of be positive and you know picking my bad habits so in the this topic we'll talk about staying positive and you know some bad habits and how can we deal with them so have you ever tasted a lemon it is sour but if you squeeze lemon into a pitcher of water एंड स्वीट इन इट यू हैव लेमनेड आपने लेमन टेस्ट किया हुआ है लेमन को जब हम टेस्ट करते हैं खट्टा होता है लेकिन अगर हम इसे पानी और चीनी के साथ मिला दें तो हमें क्या मिलता है लेमनेड यानी कि नींबू पानी यू कैन ईवन ओपन अ लेमनेड स्टैंड बींग पॉजिटिव मीन्स वी कैन थिंक ऑफ गुड थिंग्स इवन इफ समथिंग सीम्स टेरेबल पॉजिटिव का मतलब अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो वहाँ पर हम कुछ अच्छा सोच सकते हैं ठीक है यानी कि एक अच्छी बात सब हर चीज में छुपी होती है हेल्प मी काम डाउन काम डाउन होता है शांत करना केवन इज एंग्री बिकॉज इज मोम लेट हिम प्ले आउटसाइड अनटिल ही फिनिशेज हिज होमवर्क कैन की uh, जो है बहुत नाराज़ है क्योंकि उसकी मम्मा ने कहा है कि जब तक वो होमवर्क नहीं फिनिश करेगा वो बाहर खेलने नहीं जाएगा किन यू हेल्प हिम चेंज हिज थाट्स सो देट ही फील्स हैप्पी अगेन क्या हम uh, जो ये कैन की थाट्स हैं इनको चेंज कर सकते हैं कि ताकि वो uh, खुश हो जाए दोबारा से जैसे कि उसको लग रहा है होमवर्क इज़ टू हार्ड बड़ा मुश्किल होमवर्क है लेकिन इसके अलावा वो क्या हो सकता है आई विल डू माई होमवर्क क्विकली कि मैं फटाफट अपना होमवर्क कर दूंगा नो वन वॉन्ट्स टू वॉन्ट्स मी टू हैव फन कोई भी नहीं चाहता कि मैं uh, मज़े करूं। आफ्टर स्टडिंग आई विल प्ले कि खेलने के पढ़ने के बाद मैं फटाफट खेलूँगा आई नेवर गेट टू प्ले आउटसाइड मुझे कभी नहीं खेलने को मिलता आई विल गो टू प्ले लेटर कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ उसके बाद खेलने जाऊँगा दिस इज द वर्स्ट डे एवर ये तो सबसे बुरा दिन है बट नो no, पढ़ाई करने के बाद तो खेलने को मिलेगा ना सो so उसकी जगह वो क्या सोच सकता है आई विल हैव फन आई टू स्क्रीम एंड शाउट स्क्रीम और शाउट दोनों का मतलब चीखना चिल्लाना बट वो कह रहा है आई वॉन्ट पीस कि मुझे शांति चाहिए बिफोर गेटिंग एंग्री कैवन री कॉज द लास्ट टाइम ही वॉज एंग्री एंड टॉक रूडली टू हिज मॉम ही वॉज इन बिग ट्रबल केविन को अब याद आया कि पिछली बार उसने को जब गुस्सा आया था तो उसने अपनी मम्मा से बहुत खराब तरीके से बात की थी और वो बहुत परेशानी में था आई कैन गेट इन अ लॉट ऑफ ट्रबल इफ आई स्क्रीम एंड शाउट ऑब्वियसली हम खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं अगर हम चीखे चिल्लाएं When आई एम काम आई एम हैप्पी एंड अदर्स आर हैप्पी टू जब मैं शांत हूँ तो मैं भी खुश हूँ और बाकी लोग भी खुश हैं एंगल कैन स्टार्ट आउट स्मॉल एंड गेट बिग जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर जैसे रोलर कोस्टर होते हैं ना कि कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे ही जो हमारा गुस्सा होता है वो छोटी छोटी बातों पर शुरू होता है और बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है द मोर वी गेट अपसेट द मोर आर बिहेवियर स्टार्ट्स टू चेंज जितना हम अपसेट उदास रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो बिहेवियर है वो बदलाव उसमें आता जाएगा इफ़ वी आर नॉट एबल टू काम डाउन अगर हम शांत नहीं हो पाते हैं इट कैन लीड टू आउटबर्स्ट यानी कि आउटबर्स्ट होता है कि हम एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा करें देफ वी मस्ट लर्न टू मैनेज अवर एंगर तो हमें अपने गुस्से को मैनेज करना आना चाहिए माई काम डाउन जोन अ काम डाउन जोन इज अ प्लेस वे यू कैन गो वेन यू आर स्टार्टिंग टू फील फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री जब आप बहुत नाराज़ परेशान हैं गुस्से में हैं तो आप अपने काम डाउन जोन में जा सकते हैं इट इज़ फिल्ड विद थिंग्स गेम्स और एक्टिविटीज़ दैट कैन हेल्प यू काम डाउन सो दैट यू कैन कोप अप विद योर एंगर इन अल्दी वे ये एक ऐसी जगह होनी चाहिए आपका काम डाउन जोन जहाँ आप शांत हो सकें कि जहाँ पर आप अपने गुस्से के साथ कोपअप कर सकें यानी कि सामंजस्य बिठा सकें उसको शांत कर सकें हेल्दी वे में ऐसा नहीं है कि मैं अपने कमरे में आई और मैंने दीवार पे पंच किया और मेरा गुस्सा शांत हो गया बट इट्स नॉट अ हेल्दी वे ठीक है सो so, हमारा जो काम uh, जोन होता है वहाँ पर क्या होगा कि हम जाएंगे और एक ऐसी जगह होगी एक क्वाइट प्लेस होगा हम ऑलरेडी अशांत हैं हमें शांत रहने के लिए क्या है एक काम डाउन जोन हमारा बनाना है ताकि वहाँ पर शांति हो और हम हमारा मन भी शांत हो सके इसके अलावा हम अपने काम डाउन जोन में बुक्स रख सकते हैं कलरिंग के पेजेस रख, रख सकते हैं पज़ल्स रख सकते हैं ठीक है और इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं ताकि हमारा जो माइंड है वो थोड़ा सा चेंज हो ओके हमारा जो मन है वो शांत हो पिकिंग माई बैड हैबिट्स ब्रेक बैड हैबिट्स बिल्ड गुड हैबिट्स गंदी आदतों को छोड़ना है और अच्छी आदतों को अपनाना है डू यू शो टैन टेम्पो टेंट्रम्स वेन यू डोंट गेट योर वे जब आपके मन के हिसाब से काम नहीं होता तो क्या आप नाराज़गी दिखाते हैं येस समटाइम्स बट आई नो आई शुड नॉट हाँ हम दिखाते हैं पर हमें पता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए पिक वन ऑफ द बैड हैबिट दैट यू वुड लाइक टू चेंज इन एग्जाम्पल वुड बी एक्सेप्टिंग द आंसर नो फ्राम योर पेरेंट्स दैट मीन्स नॉट ऑर्ग्यूइंग स्क्रीमिंग और मेकिंग अ सीन एक अपनी गंदी आदत हमने चूज करनी है जो हमें बदलनी है और उसका एक एग्जाम्पल है कि नो no, जब आपके पेरेंट्स सी वी शुड स्टार्ट डाइजेस्टिंग नो अगर पेरेंट्स मना करते हैं तो बिना ऑर्ग्यू किए ऑर्ग्यू मीन्स बहस प्लीज डू सो इफ़ पेरेंट्स से नो तो हमें बिना ऑर्ग्यू यानी कि बिना बहस किए बिना चीखे चिल्लाए कोई भी सीन बनाए मतलब हमें चुपचाप उनकी बात मान लेनी चाहिए तो ये एक ऐसी बैड हैबिट्स है जो कि मोस्टली सब में होती है कि अगर पेरेंट्स ने मना कर दिया तो चीखना चिल्लाना शुरू ऑर्ग्यू करना शुरू बहस करना शुरू और आज आप ये पेरेंट्स के आगे करें कल को हो सकता है कोई और भी हो पेरेंट्स के साथ तब भी आप ये करें सो इट्स वेरी इंसल्टिंग तो अगर आपके पेरेंट्स ने नो कहा है तो आपको उसे चेंज uh, करना चाहिए सो so, यहाँ पर मैंने एक और बैड हैबिट मैंशन करी आई विल नॉट वॉच टी वी फॉर लॉन्ग टाइम सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ़ यू नो केज के बहुत लंबे समय तक टीवी देखते हैं और जब पेरेंट्स मना करते हैं तो दे स्टार्ट ऑल गुइंग नो आई विच इन दिस इन दैट सो यूल नॉट वॉच टी वी फॉर लॉन्ग टाइम एटलीस्ट दिस हैबिट यू कैन चेंज सेटअप अ लिमिट लाइक थ्री वीक्स फॉर यू टू चेंज दिस हैबिट एवरी टाइम यू आर एबल टू क्वाइटली एक्सेप्ट द आंसर नो गिव योर सेल्फ अ थम्स अप डोंट वरी इफ यू स्लिप समटाइम्स जस्ट कीप ट्राइंग नाउ वट वी हैव टू डू की थ्री वीक्स के लिए आपने क्या करना है अपने लिए एक लिमिट सेट करनी है ठीक है कि जब भी आपके पेरेंट्स ने थ्री वीक्स की हमारी लिमिट है कि जब भी आपके पेरेंट्स ने नो बोला ठीक है और आपने उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया सो so आप अपने आप को एक थम्स अप दोगे कोई बात नहीं कई बार हो सकता है ना भी आप एक्सेप्ट कर पाएं, बट ट्राई फॉर थ्री वीक्स सो इन थ्री वीक्स यू कैन चेंज योर हैबिट सो व्हाट एफर्ट्स Will you make to change this habit? I will accept, but my parents say no to me without arguing. ऑर्ग्यूइंग तो हमारा पहला एफर्ट क्या होगा कि जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया है तो एटलीस्ट आई ट्राई फॉर थ्री वीक्स कि मैं बिना ऑर्ग्यू किए कि नहीं मुझे करना है मुझे जाना है बिना ऑर्ग्यू किए मैं उसको एक्सेप्ट करूं। आर यू एबल टू चेंज द हैबिट इन थ्री वीक्स येस अगर आप बदल लेती है तो आपको कैसा लगेगा आई फील हैप्पी सो थ्री वीक्स तक आपको क्या करना है अपने लिए एक थम्स अप आपको ऐड करना है हो सकता है दिन भर में फाइव टाइम्स आपके पेरेंट्स ने आपको मना किया कि नो no, या फोर टाइम मना किया उसमें से अगर आपने एक बार भी अगर उस नो no को एब्जॉर्ब कर लिया विदाउट ऑर्ग्यूइंग सो यू गिव अ थम्स अप टू योर सेल्फ और ये थ्री वीक्स तक आपने करना है इफ़ यू ट्राई फॉर थ्री वीक्स सो यू कैन चेंज दिस हैबिट तो हमारी ये जो आदत है ठीक है सो एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन लाइफ वील गेट अप्स एंड डाउंस जैसे कि आप लोग ट्राई करते होंगे हो सकता है कई बार आपकी पोजीशन आई हो कई बार यू आर एक्सपेक्टिंग यू नो फर्स्ट पोजीशन एंड यू गेट सेकंड, सो यू शुड लर्न कि हम जो हमारे फेलियर्स uh, हैं या जब हम अपना जो डिज़ायरेबल हमने जो चीज़ सोची है वो नहीं पा सकते तो उस समय हमने उसको पॉजिटिवली कैसे लेना है यहाँ पर बींग पॉजिटिव से यही मतलब है So, with a positive note, I'm ending this chapter. That you all stay positive and try this, you know, three weeks test for yourself. Count your thumbs up and send it to me. Thank you.